भाई साहब, अभी T20 चैंपियन बने हुए हमको थोड़ा भी टाइम नहीं हुआ और दूसरी सीरीज चालू हो गई है, यानी कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। और वहाँ पे टोटली पूरी एक नई स्क्वाड भेजी गई है, यानी कि एकदम नए, जैसे कि पेटी में से डायरेक्ट नाम निकलते हैं ना, वैसे नए नए प्लेयर को IPL टूर्नामेंट्स में से इंडियन टीम में लाया गया है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि अभी तक तो एक ही मैच हुआ है। नहीं भाई, आज दूसरा मैच है। मैं आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जीत वाला भी माहौल वीडियो में आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि भी हार वाला सिर्फ आना चाहिए, जीत वाला भी माहौल आना चाहिए, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो हाल फिलहाल थोड़ा मैच अभी ख़त्म हुआ है और हाल फिलहाल थोड़ी सी इंडिया की पूरी बैटिंग धीरे धीरे करके मैंने पूरी देख ली और बनते बनते पूरे टीम इंडिया ने 235 रन बना दिए और ये इंडियन टीम का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है इन जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के वर्सेस, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी टीम नहीं है कि जिम्बाब्वे में 234 रन बनाए हो। यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया टीम थी जो 2018 में उन्होंने 229 रन बनाए थे, पर जो ये रिकॉर्ड नया बना है भाई, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हमको अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड तोड़ने की आदत हो गई है। तो जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, तो हाल फिलहाल हमारे नए प्लेयर्स भी ये सारी जो हमारी प्रथा है उनको कंटिन्यू करके आ रहे हैं। तो आज बहुत बड़े 3 बेस्ट परफॉर्मेंस रहे। पहले तो भाई SRH के टीम में हमने जब देखा था अभिषेक शर्मा को, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, तो उसी अंदाज से आज खेले है और पूरा 100 लगाया है भाई। और दूसरे MS धोनी के न्यू कप्तान और CSK के न्यू कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़, और आज 7 जुलाई है और MS धोनी का बर्थडे है और उन्होंने रन बनाए हैं 77, यानी कि 77 77 रन, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो वो एक बेस्ट पारी थी। और तीसरे नंबर पे आते हैं भाई हमारे रिंकू सिंह, बहुत बड़ी इम्पैक्ट पारी खेली है और उतनी तेज़ खेली है जो आप एक्सपेक्ट करते हो रिंकू सिंह से, कि आते ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो भाई आते ही मारना स्टार्ट कर दिया था भाई, बड़े बड़े छक्के, एक तो स्टेडियम के बाहर चली गई, एक का तो सेफ भी कट गया, तो नई बॉल लानी पड़ी। तो हमारे टीम इंडिया के जो पुराने प्लेयर्स है वो तो ज़बरदस्त है ही, पर जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी माइंड ब्लोइंग है। तो मैंने सोचा कि पहली मैच थोड़ी सी खराब गई, वो तो उसको साइड में करो भाई, पर जब दूसरे मैच में थोड़ा सा फील्ड हुआ है तो उसको लेकर वीडियो बनाओ। हमारा भी कंटेंट क्रिएशन होता रहे और उन लोगों को भी देख के खुशी मिलती रहे और आप लोगों को भी देख के खुशी मिलती रहे। तो उसी के साथ मैंने आज वीडियो बनाया। तो अभी हाल फिलहाल मैच में क्या होता है वो अभी दूसरा वीडियो बनने की खुशी। तो आज इंडिया जीतती है या हारती है वो तो आपको पता नहीं, और एक्सपेक्ट करेंगे कि जीत जाए, क्योंकि आज जीतेगी तो और 3 मैच है खेलने के लिए, तो उनमें से 2 जीतेगी तो सीरीज जीत जाएगी, या हम जीतेगी तो थोड़ा सा बिस्तरा पुडला बांध के घर आना पड़ेगा, पर एटलीस्ट के थोड़ा सा तो मज़ा आए सीरीज देखने में, क्योंकि जिम्बाब्वे के सामने तो थोड़ा सा डाउन रहेगा कॉन्फिडेंस उन लोगों का, क्योंकि हमारा तो भाई T20 वर्ल्ड कप से ही परफॉर्मेंस बिल्डअप चल रहा है भाई, उसमें कुछ दरार नहीं पड़ने वाली। तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू अच्छी खासी मिल गई हो, और जो बाकी सारे नॉलेज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड या काफ़ी मैं कुछ बनाता रहता हूँ, तो आप सब वो नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाओ, और जो न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम ऐसे ही मिलेंगे न्यू एनर्जेटिक वीडियो के साथ। टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय एंड चीयर अप टू टीम इंडिया, लेट्स गो।